इसमें एक टोपी शंकर की कहानी को अखबार को तय करते हुए सुनाया जाता है। एक डबल अखबार लें, इसमें एक तिकोण छत बनाएं, फिर ऊपर एक पट्टी मोड़ें, कागज को पलट दें और दूसरे तरफ भी पट्टी मोड़ें। इस तरह से एक बहुत बड़ी छतरी नुमा टोपी बन जाएगी। कप्तान इसे पहनकर गेट पर खड़ा होता है, धूप से बचता है, बारिश से बचता है। तो ये रही पहली टोपी। रात को जब मुसाफिर सो जाते हैं तो इसी टोपी को लेता है, चपटा कर देता है और सिर्फ एक सिरे को तय कर देता है और इससे एक बिल्कुल खूबसूरत फायरमैन की टोपी बन जाती है। रात को वो उसी टोपी को लेता है, पलट देता है और दूसरी तरफ भी इतना ही मोड़ देता है, इससे तीसरी टोपी बन जाती है, एक शिकारी टोपी, एक रॉबिन हुड टोपी। ये हो गई टोपी नंबर 3। एक रॉबिन हुड कैप कितनी खूबसूरत है। फिर रात को जब मुसाफिर सो रहे हुए होते हैं वो इसी टोपी को लेता है, इसे भी चपटा करता है और इसे दोनों तरफ मोड़कर छोटी सी तिकोनी टोपी बनाता है। ये बेहद मशहूर टोपी है। सारी मुंबई के फिल्मों में ये जो पुलिसमैन है वो इसी टोपी को पहनता है। इसे पांडू कैप कहते हैं और कप्तान आखिर में जहाज़ का कप्तान होता है। और ये रहा टोपी शंकर का जहाज़। अब एक तूफान आता है, जोर का तूफान, ऊंची ऊंची लहरें उठती है और जहाज़ को दाएं बाएं से तोड़ देती है। दायां हिस्सा टूट रहा है, यहाँ बायां हिस्सा टूट रहा है, सारे मुसाफिर घबरा जाते हैं। फिर एक और लहर आती है और दरमियान का ब्रिज भी तोड़ देती है, जहाज़ डूब जाता है। टोपी शंकर के संदूक भी डूब जाता है। टोपी शंकर के पास बाकी बचती है एक फटी पुरानी बनियान। तो एक अखबार से आप 4 टोपियां बना सकते हैं और आखिर में एक जहाज़ और आखिर में एक लाइफ जैकेट बना सकते हैं।